अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है, अगर आप चाहते हो कोई यूजर आपके साथ डायरेक्ट प्रॉब्लम या फिर सजेशन शेयर कर सके, उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैट देना बहुत सही होगा। ठीक है, वहाँ पर अगर कोई आपके साथ बात करना चाहता है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको मैसेज कर सकता है और आप भी उसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये एक सही आइडिया है जिससे आपका यूजर और ओनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनकर रहता है। अब हम देखेंगे उसको कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमें 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5 स्टेप है। अब हम पहले स्टेप पर जाएंगे, इंस्टॉल ए प्लगइन ऑन वर्डप्रेस। पहले हमें वर्डप्रेस को लॉगिन कर देना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारा पहला काम है प्लगइन को इंस्टॉल करना। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लगइन, यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एड न्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है आपका प्लगइन। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। ये सब प्लगइन व्हाट्सएप से रिलेटेड है। ठीक है, जब जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब हमें नीचे जाना है, यहाँ पर मैं उसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले पढ़ लेना है यहाँ पर यह व्हाट्सएप चैट को अलाउ करता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। यह अब आपका वेबसाइट में एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में है एड ए व्हाट्सएप चैट ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने जो इंस्टॉल किया था क्लिक टू चैट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको देखिए व्हाट्सएप नंबर लिखा है, यहाँ पर आपको कंट्री कोड यहाँ पर लिखना है, आप जिस नंबर से आप मैसेज रिसीव करना चाहते हो। मैं इंडिया से हूँ इसलिए +91 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे नंबर देना है जिस नंबर पे मैं मैसेज रिसीव करूँगा। आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेव चेंज के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका हो गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में है अब हम देखेंगे कैसे काम करता है आपका मोबाइल में। ठीक है, ये देखिए पहले से है। अब हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप का आइकॉन आ रहा है। कोई अगर आपके साथ बात करना चाहता है यहाँ पर बस क्लिक करने के बाद डायरेक्ट चला जाएगा जिस नंबर पे आप मैसेज रिसीव करना चाहते हो। अगर वो मैसेज करना चाहता है यहाँ पर बस मैसेज टाइप कर देना है। यह है आपका यूजर। ठीक है, हाय आई वांट हेल्प, ये यूजर ओनर को पूछ रहा है मुझे कुछ हेल्प चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओनर के पास आ गया है ये मैसेज। अब ये अगर आपको कुछ सजेशन देना चाहता है तो यहाँ पर वो भी दे सकता है। हाउ कैन आई हेल्प यू, ये सेंड करने के बाद यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे दोनों की तरफ से कन्वर्जेशन हो सकता है। ठीक है, आप बहुत जगह पर देखे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, हाउ कैन आई हेल्प यू। यहाँ पर देखिए लिखा है व्हाट्सएप अस, उस जगह पर लिखा होगा हाउ कैन आई हेल्प यू, जिससे आपका क्या होगा, जो यूजर को मैसेज करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है कॉल टू एक्शन,
यहाँ पर जो मैसेज आप लिखना चाहते हो आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। यह अब एक्टिवेट हो गया है। अब हम देखते हैं मोबाइल पे ये कैसे नज़र आता है। यहाँ पर देखिए हाय हाउ कैन आई हेल्प यू ये मैसेज आ गया है, ठीक है। जब कोई यहाँ पर मैसेज करना चाहता है बस यहाँ पर एक बार क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट वही नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले से कुछ मैसेज किया था यहाँ पर इसलिए डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यहाँ पर मोबाइल का काम हो गया। उसके बाद देखेंगे डेस्कटॉप में कैसे उसको टेस्ट कर सके, ठीक है, डेस्कटॉप से कैसे मैसेज भेज सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है वेब व्हाट्सएप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक मारना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। अब ये आपका वेबसाइट में एक्टिव हो गया है। अब हम जाते हैं हमारा वेबसाइट पर, यहाँ पर हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका व्हाट्सएप आइकन यहाँ पर आ गया है। अगर आपके साथ कोई मैसेज करना चाहते हैं बस वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका व्हाट्सएप वेब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल से उसको बारकोड को स्कैन करना है, यहाँ पर लिंक है डिवाइस, उसके बाद ओके करना है। यहाँ पर उसको स्कैन करने के बाद यहाँ पर अपने आप हो जाएगा, यह आपको डायरेक्ट ले जाएगा वही नंबर पर जिस नंबर पर ये मैसेज रिसीव हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर चार स्टेप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है सेटिंग्स। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर देखिए जो नंबर है आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, यह अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आपका व्हाट्सएप का आइकन को उसका लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप में उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ उसका लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज करना है। मैं यहाँ पर टॉप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर पिक्सल को भी चेंज करना है, यहाँ पर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा, ये आपका हो गया है, ठीक है। अब हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये आपका चेंज हो गया है उसका लोकेशन, ठीक है। ऐसे भी आप मोबाइल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग है, अगर आप चाहते हो उसको हाइड करना चाहते हो डेस्कटॉप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे है हाइड ऑन डेस्कटॉप व्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए बहुत सारी जगह है आप कहाँ पर उसको हाइड करना चाहते हो, ठीक है। मुझे हाइड करना है होम पेज पर, तो यहाँ पर मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे होम पेज पर यह आइकन दिखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जाना है वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये होम पेज पर आपका आइकन दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अंदर जाने के बाद आपको मिल जाएगा। वैसे आप मोबाइल में भी कर सकते हो, यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन भी है, यहाँ पर मोबाइल में भी उस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उसको फिर से ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टिक मार देना है, उसके बाद उसको भी ऑफ कर देना है, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, ये आपका फिर से चालू हो जाएगा। यहाँ पर मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया है, राइट।
ये कुछ सेटिंग था जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब चेक करना चाहते हो, नीचे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके ये सब देख सकते हो।